देयर लीकेज स्टार्ट हो गया, मैं पूरा अंदर का पूरा सेटअप मैकेनिज्म सब चेंज किया मैंने। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आज बहुत दिनों के बाद वापस मैं वीडियो बना रही हूँ। तो एक मुझे क्वेरी आई थी कि आपने हैंडल बार पे वो फ़ोन का सेटअप कैसे किया है, तो उसके लिए मैं छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ, चलो देखते हैं। तो हमने गाड़ी में और भी जो कुछ भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, हमने क्या क्या एक्सेसरीज लगाए हुए हैं, वो सब मैं आपको बताती हूँ। और ये सारा सेटिंग हमने गोवा जाने से पहले किया था, तो अभी इसके ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं मैं वन बाय वन करके आपको सब दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, हमने इसको अमेज़ॉन से मंगाया था और हमने इसको सेटअप करवाया था बैग सेट करने के लिए। और दिस इज सैडल बैग, ये अमेज़ॉन से है। यहाँ ओके, ये अमेज़ॉन से है ओके। ये इसके साथ में फिट नहीं होता है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ तो जुगाड़ करके फिट किया है। देखो नीचे हो, नीचे हो, इसके नीचे ऐसा फिटिंग किया है, दिस एंड दिस। इसके साथ में नट्स आना चाहिए था जो नहीं आया, इसके साथ भी नहीं आया, तो ये दोनों अमेजोन से लिया है। ये लिया है पिंपरी से, दिस इज मैडो बाइक से, बच्चों ने खराब कर लिया। मैडो बाइक का पूरा सेटअप है, यहाँ से पूरा ऐसे पूरा सेटअप है। इसके साथ और दो इधर आता है और लाइक सपोर्ट, वो नहीं है, वो निकाल दिया मैंने रखा। इसके बाद ये क्या है, ये हेडलाइट्स है, फॉग लाइट्स। अब स्टार्ट करके दिखाएंगे एक बार। यस, मैड डॉग, मैड डॉग ओके। और ये इसके ऊपर फिट किया है, दिस इज एक रॉड पड़ा था मेरे पास जो ये क्रोम को मैच करता है, तो मैंने उसको काट के साइड से ट्रिम करवा के सिर्फ खोल के, बाकी सब मैंने खुद ही किया, उसको फ्लैट भी मैंने किया साइड से और इसके साइज़ के हिसाब से बनाया। थोड़ा सा साइज जिसमें से आया था तो मैंने आगे रबर लगाया हुआ है। दिस इज़ अगेन टेम्प्रेरी होने वाला है, इसके बाद मेरे को प्रॉपर फिटिंग के साथ में थोड़ा अंदर की तरफ होगा और थोड़ा ऊपर रहेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको हमने कैसे उसको खोला था और कैसे लगा उसको फिट करते हैं। एलन क्या आता है, खुल गया ठीक है, इधर आओ, ये इधर आओ, इसके ऊपर ये जो है ये रखा आ रहा है, तुमको दिख रहा है उसको, ये इसके ऊपर रखा गया, इसमें वो दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है दिस पार्ट, इसके ऊपर ये बैठता है। तो ये विंडशील्ड के ऊपर नहीं है, ये इसके ऊपर है, ये ऐसे इधर ये फिट बैठता है, देखा श्योर यस, ये और ये यहाँ पे फिट बैठता है। सो इफ विंडशील्ड इज रिमूव तो ये ऐसा रहने वाला फिर भी फिट अभी, तो ये जो लोड है वो विंडशील्ड पे नहीं है एक्चुअली, इस पे इसका लोड नहीं आता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली सब जगह। सो इट नीदर वाइब्रेट्स ना ही इसका कुछ आवाज़ आता है, इट्स वेरी स्मूथ। और तुमको तो पता है अपना फ़ोन कितना हैवी है, फिर भी पूरा लोड ले लिया उसने। और इसको ऐसे करेंगे तो ये घूमता भी है, रोटेट भी होता है, तो आप अपना फ़ोन ऐसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे सेटअप कराया हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड ने पूरा अपना दिमाग लगा के उसको पूरा सेट किया हुआ है। और आप कुछ बोल सकते हैं, ये अपने घर में स्टील रोड था, इसके ऊपर है ना, मैंने ये भी लगाया प्रोटेक्टिव प्लेट उसके ऊपर, इसके ऊपर वो भी ख़राब हो गया, तो ये ऐसा घूमता है, पूरा घूमता है, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे तो एक्चुअली अपना उसका व्यू ब्लॉक होता थोड़ा सा, बट द फोन स्टेज इनसाइड। ऐसे ऐसे किया तो फ़ोन को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, अच्छे से बैठ जाता है, वेरी स्टर्डी टाइट है। ये हमारा फ़ोन ऐसा बैठता है इसमें, और यहाँ से चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग के लिए यहाँ पे से लगा सकते हो, चार्ज भी हो जाता है, सामने सामने दिखता भी है, ऐसा है। जो आगे आपने लाइट देखा है उसकी बटन यहाँ पे है, उसकी सेटिंग यहाँ पे है, तो यहाँ से वो ऑन ऑफ होता है लाइक दिस, तो दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसे ऑन ऑफ होता है। ये इंजन गार्ड है, ये हमने अमेजोन से मंगाया था राइट, हाँ ये भी हमने अमेजोन से मंगाया था।
तो इस तरीके से हमने गाड़ी को मॉडिफाई किया हुआ है। तो अभी तो ये हो गया मॉडिफिकेशन की बात, और अभी बात करते हैं प्रॉब्लम्स। तो मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, तो मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे। तो प्रॉब्लम्स ऐसी हुई थी कि जब हम गोवा से आ रहे थे वापस, तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर हमने सडन में नोटिस किया तो इंजन में से ऑयल लीक हो रहा था, इसलिए मेरा लास्ट वाला ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया आने के लिए, क्योंकि मैं वेट कर रही थी। गाड़ी को हमने शोरूम में दिया बनने के लिए, सब ठीक हो गया। फिर आज मुझे टाइम मिल गया कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बना सकूं वीडियो, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या कैसे उसमें हुआ था, हमने क्या क्या उसके लिए किया। यहाँ से इसके ऊपर स्पार्क प्लग के ऊपर से, यहाँ से ऊपर से वो दिख रहा है, यस दैट पॉइंट, फ्रॉम देयर लीकेज स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट हम लोग गोवा से रिटर्न आ रहे थे तभी वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो गया था, एंड वो लीकेज तभी इतना नहीं था जब भी थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा था। उसके बाद जब वापस से मैं इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ राइड पे गया गोवा के लिए, उससे पहले मैंने दिखा दिया था शोरूम में, तो उन्होंने स्पार्क प्लग जो है टाइट किया, बोला कि स्पार्क प्लग का सेटिंग में इशू है, लेके गया था कंटेनर में बगाया था, तो यहाँ से पूरा लीकेज होके पूरा इधर से इधर रिटर्न आते टाइम पूरा इट्स ऑल वॉज इन ऑयल, पूरा यहाँ से ऑयल जो है स्पीड हाई स्पीड थे, हाई स्पीड में चला रहे थे, मैंने पूरा अंदर का पूरा सेटअप मैकेनिज्म सब चेंज किया मैंने पूरा अंदर का। क्लच पकड़ा नहीं था तुमने, स्लोली पूरा नहीं छोड़ना, हाँ ब्रेक पता ना कहाँ है,